हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। माय स्कूल के ट्यूटोरियल में हम लोग अब आगे की क्वेरी देखेंगे। तो इस ट्यूटोरियल में आपको मैं अपडेट, अल्टर और डिलीट की क्वेरी आपको बताऊंगा कि कैसे आप परफॉर्म करें। अल्टर के अंदर भी आपकी डिफरेंट कमांड होती हैं, तो ये सारी कमांड हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप अपने माय स्कूल कमांड लाइन क्लाइंट को ओपन कर लीजिए। जब आपका ओपन हो जाएगा तो वही ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे रूट, पासवर्ड आपको एंटर करना है। जब आपका पासवर्ड एंटर हो जाएगा देन ये शो कर देगा आपकी कंडीशन। इसके बाद आपको अब यहाँ पर राइट अप करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए शो डेटाबेसेस, डेटाबेसेस आप शो करेंगे। शो करने के बाद आप देख लीजिए आपके कितने डेटाबेसेस इसमें शो है, इन्फॉर्मेशन स्कीमा, सीएसई ज्ञान, MySQL एंड ये। तो हमने जो लास्ट टाइम पे बनाया हुआ था अपना डेटाबेसेस सीएसई ज्ञान, तो उसी को हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे यूज इसे आप यूज करेंगे तो डेटाबेस आपका चेंज हो जाएगा। इसके बाद आप शो कीजिए इस डेटाबेस के अंदर आपके कितनी टेबल्स हैं, तो आप डायरेक्टली लिखेंगे शो टेबल्स। तो टेबल्स टेबल्स अगर आपने बहुत सारी टेबल बनाई होंगी इस डेटाबेस के अंदर तो आपकी सारी टेबल यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो हमने केवल एक टेबल बनाई है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हम भी शो हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर लिखिए, अब आपको डेटा सेलेक्ट करना है, चेक करना है आपका डेटा कितना है इसमें। सेलेक्ट स्टार From, table name is student, आप राइट अप करेंगे, इसके बाद एंटर कर देंगे तो आपको स्टूडेंट का टेबल आपको शो हो जाएगा कि स्टूडेंट के अंदर डिफरेंट फील्ड में आपकी नेम, रोल नंबर, ब्रांच एड्रेस और डिफरेंट आपका डेटा ये डेटाबेस के अंदर स्टोर है। अब देखिए इस वाली क्वेरी में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें डेटा को मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई मीन्स जैसे यहाँ पर आपका राम है, राम को आपने चेंज करके कुछ और राइटअप करना है, या आपका एड्रेस देहरादून है, रोल नंबर जिसका 12 है उसका एड्रेस आपका देहरादून है, इसे आपने चेंज करके हरिद्वार करना है या कहीं और करना है, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए आप अपडेट की क्वेरी चलाएंगे। तो अपडेट की क्वेरी आपकी क्या होती है, अपडेट टेबल, टेबल नेम, अपडेट टेबल नेम इज स्टूडेंट, सेट कॉलम नेम, जो भी आपका कॉलम चेंज करना है आपने, एड्रेस, एड्रेस की वैल्यू चेंज करनी है, एड्रेस इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर आप राइट अप कर देंगे, तो हम लोग इसे लिख देते हैं ऋषिकेश, आपने राइट अप किया। इसके बाद आप कंडीशन लिखेंगे वेयर, वेयर आपकी कंडीशन है रोल नंबर इक्वल टू 12, मींस जिसका रोल नंबर आपका 12 है उसका आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा इसी केस। एंटर आपने किया तो वन रो अफेक्टेड है आपका। अगेन आप सेलेक्ट की क्वेरी राइट अप कीजिए, सेलेक्ट स्ट्रेट फ्रॉम टेबल नेम इज स्टूडेंट और सेमी कॉलन आपने राइट अप किया, तो यहां पर देखिए आप एड्रेस आपका चेंज हो जाएगा मॉडिफाई। तो ये आप मॉडिफाई कर सकते हैं थ्रू अपडेट कमांड के थ्रू। अपडेट की कमांड आपकी ये है, अपडेट में डायरेक्टली आपको राइट अप करना है अपडेट स्टूडेंट सेट एड्रेस इक्वल टू जो भी आपका होगा ये आप राइट अप करेंगे। तो ये होती है आपकी अपडेट की कमांड। नेक्स्ट कमांड हम लोग राइट अप करते हैं अल्टर कमांड। तो अल्टर कमांड आपकी मेनली अगर आपको नया कॉलम ऐड करना है, कॉलम की कंडीशन आपको चेंज करनी है, तो वो सारी आपकी क्या होती है अल्टर कमांड के अंदर होती है। वैसे ये जो आपका अपडेट की कमांड है ये आपकी DML कमांड होती है, डेटा मैनिपुलेशन कमांड होती है, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ये भी आपकी, ये आपकी DDL कमांड है क्योंकि आप सेलेक्ट करें पूरे डेटा को। अब देखिए आपकी अल्टर की कमांड है। अब मान लीजिए आपको नया कॉलम इसमें ऐड करना है, आपको फोन नंबर का कॉलम इसमें ऐड करना है, इस टेबल में एक नया कॉलम आपको ऐड करना है यहाँ पर फोन नंबर, तो कैसे आप करेंगे, अल्टर टेबल, टेबल नेम इज स्टूडेंट, के बाद आप लिखेंगे यहाँ पर एड नया कॉलम नेम, नया कॉलम नेम इज फोन नंबर, फोन नंबर आपने लिखा, उसके बाद उसका डेटा टाइप आप राइट अप कर देंगे। तो हम लोग देखते हैं तो साइज भी हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि ये सॉरी 11 वैल्यू को एक्सेस करेगा। एंटर आपने किया तो 4 रो आपके अफेक्टेड, मींस 4 रो पे आपकी नल वैल्यू ये एंटर कर देगा। तो जैसे आप इसको एक्सेस करेंगे तो सेम आपको राइट अप करना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम इज स्टूडेंट, स्टूडेंट आप राइट अप करेंगे सेमी कॉलन, एंटर आपने किया तो देखिए आपका फोन नंबर भी आपका क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है नया कॉलम और इसके अंदर आपकी डिफरेंट वैल्यू स्टोर हो चुकी है, बट ऑल वैल्यू कैन बी नल फॉर्मेट। अब आपको ये वैल्यू चेंज करनी है, नल की जगह पर आपको कुछ और राइट अप करना है, तो आपको फिर से किसकी कमांड राइट अप करनी है, अपडेट की कमांड आप राइट अप कर दीजिए, अपडेट टेबल एंड सेट कर दीजिए जो भी आपको सेट करना है। तो अगर आपको चेंज करना है, मान लीजिए आपको AAA का फोन नंबर चेंज करना है, तो आप क्या लिखेंगे, अपडेट टेबल, अपडेट टेबल नेम स्टूडेंट, सेट कॉलम नेम आपको चेंज करना है फोन नंबर, फोन नंबर इक्वल टू आपको 1 2 3 4 5 6 7 राइट अप करना है फोन नंबर ऑफ, मान लीजिए आपको 1 2 3 देना है
फोन नंबर वेयर आपको कंडीशन राइटअप करनी है, वेयर कंडीशन क्या है आपकी, जिसका रोल नंबर आपका 31, सॉरी रोल नंबर इक्वल टू, वेयर रोल नंबर इक्वल टू 56, जिसका रोल नंबर 56 है उसका आपने फोन नंबर चेंज कर दिया 123। देखिए आप एंटर करेंगे तो वन रो अफेक्टेड हो चुका आपका। अगेन आप राइटअप कीजिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम इज स्टूडेंट, स्टूडेंट आपने राइटअप किया सेमी कॉलन, एंटर आप करेंगे तो ये आपका शो हो जाएगा नेक्स्ट वैल्यू, ये आपका कोड है। यहाँ पर आपने अल्टर अपडेट की कमांड देख ली है, अपडेट आप कैसे करेंगे डेटा को, अल्टर की कमांड आपने देख लिया कि अल्टर मीन्स नया कॉलम आप कैसे ऐड करेंगे। अब मान लीजिए आपने साइज कम दिया है किसी कॉलम का और आपको साइज को बढ़ाना है, तो डेटा टाइप अगर आपको चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं थ्रू अल्टर कमांड। कैसे करेंगे, डायरेक्टली आपको लिखना है अल्टर टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट, के बाद आप लिखेंगे मॉडिफाई कॉलम नेम कॉलम, एंड इसके बाद आप लिखेंगे कॉलम नेम कॉलम नेम। मान लीजिए आपको रोल नंबर का साइज बढ़ाना है या आपको फोन नंबर का साइज बढ़ाना है, तो आप लिखेंगे फोन नंबर और इसका डेटा टाइप आप यहाँ पर लिख दीजिए इंट, एंड साइज आप इंक्रीज कर दीजिए इसका 40। तो यहाँ पर आपको शो कर रहा है कि फोन नंबर का जो साइज आपका चेंज हो चुका है वो 40 हो चुका है। मींस आपको डेटा टाइप चेंज करना, आप टाइप भी चेंज कर सकते हैं, इंटीजर की जगह पर आपको कोई और डेटा टाइप से फाइंड आउट एंटर करना है तो आप वो भी एंटर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट है आपकी अल्टर की कमांड। नेक्स्ट आती है आपकी डिलीट, अगर आपको कोई वैल्यू डिलीट करनी है डेटाबेस में तो उसके लिए आप यूज करेंगे डिलीट कमांड। तो डिलीट कैसे करेंगे, मान लीजिए आप एक बार हम लोग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट, स्टूडेंट को एक्सेस कर लेते हैं। ये आपने स्टूडेंट एक्सेस किया, मान लीजिए आपको किसी डेटा को रिमूव करना है, रवि का डेटा रिमूव करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे डिलीट कमांड, आप यूज करेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम इज स्टूडेंट। अब इसके बाद आप लिख दीजिए रोल नंबर इक्वल टू 56, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, आपको वेयर की कंडीशन भी राइट अप करनी पड़ेगी, वेयर रोल नंबर इक्वल टू 56 मींस जिसका 56 रोल नंबर है उसकी डिटेल आपकी डिलीट हो जाएगी। तो वन रो अफेक्टेड 56 वाला डेटा आपका डिलीट हो जाएगा। देखिए फिर से आप एक्सेस कीजिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम इज स्टूडेंट, ये आपने राइट अप किया, एंटर आप करेंगे तो आपका जो रवि वाला डेटा है वो भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इस टाइप से आप डिफरेंट क्वेरी यहाँ पर यूज करेंगे। तो अभी हमने पढ़ी अपडेट की क्वेरी, अपडेट आपको करना है डेटा, सेकंड हमने अल्टर की कमांड पढ़ी थी इसमें, अल्टर की कमांड, और इसके अलावा हमने इसमें डिलीट की कमांड भी एक्सेस की है अगर आपको डेटा को डिलीट करना है। ये थी आपकी डिफरेंट कमांड। थैंक यू एवरीवन।